कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यम् पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही सन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना सन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार सन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसे सिद्धांत की रंचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है।